सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है और क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो नीरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल है, ये मैनकाइंड फार्मा वालों की काफ़ी अच्छी कंपनी है और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 97 रुपीज़ 90 पैसे में ये आ जाती है, मतलब हम 98 रुपीज़ में बोल सकते हैं इसको। और इसमें एक स्ट्रिप मिलेगी जिसके अंदर जो है 10 कैप्सूल रहेंगे। तो पहले इसका प्राइस था 89 रुपीज़। अगर आपको पुराना स्टॉक मिल जाता है, जो कि मेरे पास है, तो आपको 89 रुपीज़ में मिलेगी। अदरवाइज तो अगर आपको लेटेस्ट इसका स्टॉक मिलता है तो अभी इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों, समय के अनुसार वैसे भी प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है, आने वाले समय में और भी ये महंगी हो जाएगी। तो इसको खरीदना कहाँ से, तो देखिए कोई भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर से आप इसको खरीद सकते हो और डॉक्टर की सलाह से लें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप जो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चाहे तो इसको घर बैठे बैठे भी मंगा सकते हो। तो अगर हम बात करें ये नीरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल में क्या क्या है या क्या क्या कंपोजिशन है, तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो है एक मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है और इसमें आपको मिलेगा जिनसेंग ड्राई एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा है इसमें नाइसिनामाइड, जिसको आप विटामिन B3 भी बोलते हो, और इसमें मिलेगा आपको विटामिन B6, और इसमें आपको मिलेगा मीकोबालामिन, जिसको आप विटामिन B12 भी बोलते हो, और मिलेगा आपको विटामिन D3, फोलिक एसिड जिसको आप विटामिन B9 से भी जानते हो, और डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। तो ये सब जो है विटामिन और मिनरल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ स्टाइल आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा बिजी हो गई है और हम लोग जो है सही समय पर नाश्ता नहीं करते हैं, सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, सही समय पर सोते नहीं हैं और पुअर डाइट लेते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना। तो जिस कारण होता क्या है कि हमको विटामिन और मिनरल्स की जो है कमी हो जाती है, जिस कारण जो है हमको प्रॉब्लम होने लगती है, बीमारी होने लगती है और समय से पहले दिक्कत होने लगती है। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी कम हो गई, मतलब आज की डेट में हम कोई भी काम करते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, मतलब पैदल नहीं चलते हैं, वॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिस कारण बहुत ज़्यादा समस्या हमको समय से पहले देखने को मिल जाती है। उस कंडीशन में हमको करना क्या होता है, फिर हमको जो है मल्टी विटामिन या मेडिसिन लेना पड़ती है, जो कि हमारी मजबूरी हो जाती है। तो देखिए हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है और आपके दांतों को भी मजबूत करती है। इसके अलावा जो आपके मसूड़े हैं उनको भी जो है हेल्दी रखती है और आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करती है। तो देखिए अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहेगा तो सारी बीमारियां जो हैं आपको जल्दी जल्दी नहीं होंगी। इसके अलावा आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिस कारण जो है आपके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको जो है मदद मिलती है, उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो। इसके अलावा आपका जो एनर्जी लेवल है उसको इम्प्रूव करती है ये मेडिसिन। और जो आपको जनरल वीकनेस होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कमजोरी जैसा महसूस होता है या जल्दी थक जाते हैं कोई भी आप काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी हुई थी, मान लीजिए सिंपल फीवर ही हुआ था, तो उसके बाद आपने देखा होगा आपको कुछ दिनों तक तो कमजोरी होती है, तो उस कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। इसके अलावा अगर कोई नर्व डैमेज है या फिर जैसे कि साइटिका की प्रॉब्लम है, जिसमें कि नंबनेस, टिंगलिंग होती है पैरों में, आपने देखा होगा झुनझुनी जैसे एकदम होने लगता है, या फिर जो है पैर में ऐसा लगता है कोई सुई चबा रहा है, तो ऐसा कोई दर्द होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। आपकी नसों में जो है ताकत भी लाती है और नसों के ताकत के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर नर्वस सिस्टम के लिए बेहतर है ये। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी रहती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन B12 है और फोलिक एसिड है, जो कि खून को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए काफ़ी बेहतर है और आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या बाद बाद में जो है इरिटेट होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो, आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो कि आपको फ्री रेडिकल डैमेज से ये बचाता है। तो इधर देखा आपने कितने सारे फायदे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। तो चलिए अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। तो एक टेबलेट आपको जो है एक दिन में एक ही बार लेना होता है और इसको कुछ भी खाने के बाद लेना होता है, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ, सिंपल पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। तो मैं इधर प्रिफर करूंगा अगर आप रात में सोने से पहले ले लें तो बेहतर रहेगा, हालांकि आप जो है किसी भी टाइम पर इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो देखिए नोजिया टाइप अगर आपको लगता है, वोमिटिंग टाइप लगता है और आपका जैसे पेट खराब हो जाता है या फिर आपको जो पेट में जलन या पेट में जो है दर्द होने लगता है
और इसके अलावा आपको शरीर में खुजली होने लगती है या फिर शरीर में जो है रैसेस आने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें मेल फीमेल की, तो मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वूमेन को, तो प्रेग्नेंट वूमेन को भी नहीं लेना है। हालांकि प्रेगनेंसी में इसको ले सकते हैं, लेकिन लेना है तो डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन आपकी पहले से चल रही होती हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप ये भी ले लोगे तो आपको ओवरडोज हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें। अब हम बात करें कोई दूसरी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हो, जैसे कि कोई भी मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, तो नहीं लेना है, क्योंकि ये भी जो है मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल्स टेबलेट है, तो इसके साथ कोई भी आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। हाँ, इसके अलावा आप कोई दूसरी मेडिसिन ले सकते हो, मान लीजिए कोई डायबिटिक की मेडिसिन चल रही है या फिर कोई बीपी की मेडिसिन लेते हो, तो वो सब आप उसके साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे जो डॉक्टर हैं इसको डायबिटिक के जो मरीज हैं उनको देते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है इससे। बीपी के जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको भी दिया जाता है। अब मैं इधर कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये न्यूरोकाइंड गोल्ड के आरएफ कैप्सूल लेते हो, तो देखिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, और हो सके तो जंक फूड फास्ट फूड ये सब नहीं खाइए, बेकार होता है। फ्राई खाना हो गया, मीठा हो गया, ये सब जो है ना खाएं, तला हुआ मीठा बहुत बेकार होता है हमारी हेल्थ के लिए। इसके अलावा फ्रूट्स खाएं और जो जूस वगैरह होता है वो पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और टाइम पर नाश्ता करिए, टाइम पर खाना खाइए और टाइम पर सोइए, और कम से कम जो है 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है 24 घंटे में। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा इस न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल का, और आपके हेल्थ के लिए भी ये अच्छी रहेगी जो भी मैंने एडवाइस दी है आपको। तो मेरा वीडियो यही खत्म होता है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, और अभी वो डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।